बेल के जड़ की बात करते हैं। बेल माने बेल पत्र, जो शिव जी को चढ़ाया जाता है उसी का पेड़ जो है। वैसे बहुत चीज़ों को बेल कहा जाता है, जो पेड़ों पे चढ़ जाती है उनको भी बेल कहा जाता है, लेकिन यहाँ मैं आपको उस बेल की बात कर रहा हूँ जो बेल पत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है, उस बेल के पेड़ की जड़ की बात कर रहा हूँ। उसका संबंध सीधे सूर्य से है और ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्र। तो कहने का मतलब आत्मा का कारक ग्रह पराशर जी कहते हैं सूर्य है। जिसका सूर्य ग्रह कमजोर होता है उसका आत्मबल बहुत कमजोर होता है। जो लड़के प्रीलिम्स में भी क्वालिफाई करते हैं, मेंस में भी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जा कर के फेल हो जाते हैं और बार बार असफलता उनके हाथ लगती है, या परीक्षा के समय में बीमार हो जाते हैं, परीक्षा की डेट आने के बाद ही बीमारी जिनको पकड़ लेती है और परीक्षा के समय घबराहट जिनको बढ़ जाती है, आते हुए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, उन सब का उत्तर है सूर्य का कमजोर होना। ऐसे बच्चों का सूर्य ग्रह कमजोर होता है जिसके कारण उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और आत्मविश्वास डगमगाने के कारण वो अपने परीक्षा में ठीक ढंग से परीक्षा को फेस नहीं कर पाते हैं और निराशा हाथ लगती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप रविवार के दिन बेलपत्र की जड़ को खोद करके और उसे अच्छे से धो पोंछ करके उसको सुंदर सा आकृति दे करके उसमें बीच में थोड़ी सी स्क्रैच बनाइए चाकू से और पिंक कलर के गुलाबी रंग के धागे में उसको बांध करके अपने दाहिने हाथ पर उसको आप रविवार को प्रातःकाल धारण कर लीजिए। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपकी मानसिक दुर्बलता को ठीक करेगा और आप अगर इंटरव्यू में किसी को फेस करने जा रहे हैं तो आपकी आंखें नीची नहीं होगी बल्कि आपका आई कांटेक्ट ठीक होगा, एग्जामिनर से आपके आई कांटेक्ट मिलेंगे और आप आत्मविश्वास के साथ जवाब दे पाएंगे। अगर इसके साथ साथ ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतंग मृतंग च हिरणयेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र का या ओम जपा कुसुम संकाशम काश्य पेयम महादुतिम तमो अरिम स्वरूपापघनम प्रणतोस्मि दिवाकरः सूर्याय नमः। इस मंत्र का यदि 24 मिनट 31 दिनों तक आप जप भी कर लें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, आपको निश्चित रूप से आत्मबल में परिवर्तन दिखाई देगा और आपकी हीन भावना और नकारात्मक सोच धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित, पेट से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग सताते हैं उन लोगों को भी बेल की जड़ धारण करनी चाहिए। अब मैं आपको बेल की जड़ धारण करने की विधि बताता हूँ। विधि तो एक बार मैं बता चुका हूँ, फिर से सुन लीजिए। रविवार के दिन बेल की जड़ को धारण करना शुभ माना गया है। बेल की जड़ को गंगा जल से धो करके वैदिक मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः के 108 मंत्रों को जपते हुए गुलाबी रंग के कपड़े में या धागे में लपेटकर अपनी दाहिनी बाजू पर इसको प्रातःकाल धारण करना चाहिए। और यदि सूर्य नीच का है तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ और लाल कपड़ा ये भी वस्तुएं दान करना चाहिए। इससे सूर्य ग्रह की मजबूती होती है और आत्मबल बढ़ता है, पिता का सुख होता है, पिता का स्वास्थ्य ठीक होता है। जिन व्यक्तियों के पिता के जीवन में इतना संघर्ष भरा हुआ है कि एक एक दिन ऐसे व्यक्ति के पिता को काटना भारी पड़ रहा है तो निश्चित रूप से उनके बच्चों की कुंडली में सूर्य राहु के साथ होगा
और यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है या सूर्य की महादशा चल रही है और उसमें राहु की अंतर्दशा आ रही है तो निश्चित रूप से उस समय में आपकी पिता की सेहत खराब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे समय में यदि आपके पिता की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो तो उन्हें अपना ECG करवा लेना चाहिए, उन्हें अपना हार्ट चेक करवा लेना चाहिए और हो सके तो सूर्य की शांति भी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्य में राहु का अंतर या राहु में सूर्य का अंतर ये पिता और आजीविका दोनों को प्रभावित करता है। या तो नौकरी छूटती है और या तो पिता के साथ कुछ अनहोनी घटना घटित होती है। इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए सूर्य के मंत्रों का जप भी करना चाहिए, बेल की जड़ भी धारण करना चाहिए और हो सके तो सूर्य को अर्घ और गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।